दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म डंकी से लेकर प्रभास की फिल्म सलार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है और एक से बड़ा एक रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हुई। वहीं आज हम बात करेंगे इन दोनों फिल्मों के आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे आखिर शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार में से कौन सी फिल्म का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा ज्यादा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना इंडिया का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपर स्टार, वहीं कौन सी फिल्म हुई ब्लॉकबस्टर और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले आप शाहरुख खान और प्रभास में से कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, आप की राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डंकी फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसे कि आप सभी को बताएं डंकी फिल्म 2023 की शाहरुख खान की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी और इससे पहले शाहरुख खान दो बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने में कामयाब हुए जिस वजह से सभी को उम्मीद थी शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ और भी कई मल्टीस्टार कास्ट देखने को मिले थे। वही फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने, जिस वजह से फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा उम्मीदें बनी और सिर्फ 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनाए जाने के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी स्क्रीन से मिली और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 5500 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई। वही फिल्म को मिले 4.5 के दमदार रिव्यू की बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा ओपनिंग करने में कामयाब हुई और फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करते हुए 29 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करते हुए 58 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया, जिस वजह से फिल्म के पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी काफी अच्छी पकड़ देखने को मिली और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा आंकड़ा पार करते हुए हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 152 करोड़ 1 लाख रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा रहा और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 305 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 13 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अगर फिल्म के 12वें और आज के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने अपने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक मंडे का टेस्ट पास करते हुए काफी अच्छा कलेक्शन किया था और फिल्म का 12वें दिन का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 करोड़ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा रहा। वहीं फिल्म अपने 12वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब हुई। लेकिन अगर फिल्म के आज के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिल रही है और फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सी ड्रॉप पाते हुए हिंदी बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा कम कलेक्शन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म के 13वें दिन के हिसाब से फिल्म का आज का कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा और फिल्म आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास कमाई कर लेगी। वहीं फिल्म का आज का 13वें दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग 9 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्म डंकी का 13 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने बजट से लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा रहते हुए 206 करोड़ 40 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा कलेक्शन करते हुए 390 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी, जिस वजह से उम्मीद है फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 450 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहे। लेकिन अगर इस फिल्म से प्रभास की फिल्म सलार का कंपेयर करें तो प्रभास की फिल्म सलार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सलार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी काफी जबरदस्त कमाई कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में आपको प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े स्टार कास्ट फिल्म में देखने को मिले थे। वहीं फिल्म को 400 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनाया गया और इंटरवल के बाद फिल्म में काफी धमाकेदार एक्शन और टैंक सीन होने की वजह से फिल्म का एक्शन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया, जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करने में कामयाब हुई और लगभग 7000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पर रिलीज होने की वजह से फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा क्रेज देखा गया और ऑडियंस ने भी फिल्म को 3.5 स्टार रिव्यू दिया और इसी कारण फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग डे कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा सामने आया और प्रभास की तगड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से सलार फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद 15 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा की धमाकेदार ओपनिंग की। वहीं फिल्म का पहले दिन का सभी लैंग्वेज का हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज का ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 90 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा रहा। लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनते हुए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर डे वन में ही 178 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की धमाकेदार ओपनिंग करने में कामयाब हुई, जिस वजह से फिल्म ने अपने दूसरे और तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी जंप पाई और सैटरडे संडे को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा,
क्योंकि फिल्म के चौथे दिन क्रिसमस की हॉलीडे होने की वजह से ही फिल्म ने अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ठीक ठाक पकड़ बनाए रखी। वहीं अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो प्रवास की फिल्म सलार के पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छी पकड़ देखने को मिली थी और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करते हुए लगभग 94 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का सभी लैंग्वेज का ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी ज्यादा रहा और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 298 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया, जिस वजह से फिल्म ने अपने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा कलेक्शन करते हुए 503 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, जिस वजह से फिल्म अपने पहले हफ्ते ही अपने बजट को रिकवर करने में कामयाब हुई। और अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो प्रवास की फिल्म सलार को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 12 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सलार फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में काफी अच्छी कमाई कर रही है और फिल्म के आज के कलेक्शन में काफी कम ड्रॉप देखने को मिली, जिस वजह से फिल्म की आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 13-17% के आसपास रही और माना जा रहा है फिल्म अपने दोपहर और नाइट के शो में अगर इतनी ऑक्यूपेंसी पाती है तो फिल्म आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग 4 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लेगी। वहीं फिल्म का 12वें दिन का सभी लैंग्वेज का ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा रहते हुए 6 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़ा धमाका करेगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करते हुए लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेगी, जिससे प्रवास की फिल्म सलार का अभी तक का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही 131 करोड़ 53 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही लगभग 351 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी, जिस वजह से फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा रहेगा और 2023 के साथ साथ 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल होते हुए प्रवास की सलार वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 591 करोड़ रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी और फिल्म कल तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाए। तो दोस्तों आज के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी का कलेक्शन रहा ज्यादा, लेकिन टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में प्रवास की फिल्म सलार ने मारी बाजी, जिस वजह से प्रवास बने इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन शाहरुख खान के फैंस डंकी फिल्म को सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं और शाहरुख खान को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। वहीं अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और कहानी वाइज आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, प्रवास की फिल्म सलार को या शाहरुख खान की फिल्म डंकी को, और कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का बॉक्स ऑफिस का रियल सबसे बड़ा सुपरस्टार, शाहरुख खान को या पैन इंडिया सुपरस्टार प्रवास को? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। सुनाया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन साउथ नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रवास की फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डेली और ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।